हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल एयर्स कुकबुक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही जल्दी बनने वाली चीज़ी मेयो सैंडविच, जिसके लिए कुकिंग की भी ज़रूरत नहीं है। इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक बड़ा सा बाउल लेंगे, उसमें 3 से 4 चम्मच मेयोनीज डालेंगे। अब इसमें 1 चम्मच केचप डालेंगे, टोमेटो केचप। 1/2 टीस्पून ऑरेगनो डालेंगे, 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स इसे स्पाइसी करने के लिए, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सीजनिंग या मिक्स हर्ब्स हैं तो वो भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें 2-3 लीव्स स्वीट बेजिल के काट के डाल रही हूँ। आपके पास अवेलेबल है तो डालिए, वरना मत डालिए। अब इसमें चॉप्ड वेजिटेबल्स, मैंने इसमें ऑनियन, कैबेज, कैरेट, कैप्सिकम और कॉर्न डाले हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। 3 से 4 बड़े चम्मच वेजिटेबल्स इसमें डालेंगे। अब इसमें 1 चम्मच ग्रेटेड चीज़ मिलाएंगे, इसे अच्छे से मिक्स करना है। हमें ये बैटर पहले से रेडी करके नहीं रखना है, जिस टाइम हमें सैंडविच सर्व करनी है उसी टाइम वेजिटेबल्स और मेयोनीज को साथ में मिक्स करना है, वरना वेजिटेबल्स पानी छोड़ देती हैं तो हमारा जो सैंडविच का मिक्सचर है वो थोड़ा गीला गीला हो जाता है, उसमें पानी पानी सा लगता है। ब्रेड के साइड्स मैंने काट लिए हैं, अब इसमें मैं बटर लगा रही हूँ। सैंडविच की ब्रेड पे बटर लगाने से ब्रेड पे जो सॉस या चटनी या जो भी मैरिनेशन हम लगाते हैं उसकी वजह से ब्रेड सॉगी नहीं होती है। मैंने सारी ब्रेड्स को बटर लगा लिया है। अब जो सैंडविच का मिक्सचर हमने बनाया मेयोनीज और वेजिटेबल्स का, उसे मैं ब्रेड के बीच में फिल कर रही हूँ। इस तरह सैंडविच को रेडी कर देना है। मैंने इसे ट्रायंगल्स में काट के सॉस के साथ सर्व किया है। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।